खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्र के नेतृत्व में शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर तहसीलदार के माध्यम से शिक्षक समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में पुरानी पेंशन नीति बहाली, शिक्षकों का आकांक्षी जनपदों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण, जनपद के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू किए जाने, छात्रों के डीबीटी की फीडिंग शिक्षकों से न कराकर बीआरसी पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों से कराए जाने, शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था, मृतक आश्रित के पालियों को योग्यता अनुसार नियुक्ति दिए जाने, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को शिक्षक के पद पर समायोजित किए जाने, 1 दिसंबर 2008 के बाद पदोन्नत प्राप्त प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को 17,140 न्यूनतम वेतन मान व प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को 18,150 न्यूनतम वेतन मान का शासनादेश निर्गत किए जाने, शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने, छात्रों के बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था किए जाने आदि की मांग शामिल है। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि आगामी 6 अक्टूबर को परशुरामपुर बीआरसी पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे, संरक्षक अभिमन्यु तिवारी, शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी आ रहे हैं। उनसे विचार विमर्श के बाद यदि मांगे न मानी गयी तो वृहद आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया था जिले के अंदर ट्रांसफर, तमाम दूर दूर पे हमारे सुदूर ब्लॉकों में शिक्षक नियुक्त हैं, 7-8 साल से उनका जनपद के अंदर स्थानांतरण नहीं हुआ है और सरकार टैबलेट देने की बात करती है, समय से आधे घंटे पहले पहुंचने की बात करती है, 1 घंटा लेट आने की बात करती है, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ और शिक्षकों के ऊपर डीबीटी एक डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट नामक स्कीम है। शिक्षकों का ना तो कोई टैबलेट का कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण है और उस ऐप के माध्यम से मैं समझता हूं प्रदेश में कम से कम करोड़ों रुपए, कम से कम 300-400 करोड़ रुपए पैसे अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित करना है। इतनी महत्वपूर्ण जो है कार्य बिना किसी ट्रेनिंग के कराया जा रहा है, वो भी जबरन, और ना ही सरकार द्वारा कोई डेटा पैक दिया गया है, ना कोई टैबलेट दिया गया है, सिर्फ जबरन कार्य कराया जा रहा है, ना तो ट्रांसफर किया जा रहा है। आकांक्षी जनपदों से 12-12 सालों से हमारे टीचर अपने घर से दूर जाकर के किराए के मकान में रहकर पठन पाठन कर रहे हैं, ना ही उनका ट्रांसफर करा जा रहा है, सिर्फ वादा किया जा रहा है, शिक्षकों के साथ छल किया जा रहा है। लगातार इस शासन द्वारा लगभग 3 सालों से शिक्षकों के विपरीत शासनादेश जारी करके और जबरन कार्य कराया जा रहा है। अगर हम लोगों की मांगे, आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व मंडल कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में मिलकर सबसे पहले हम प्रदेश के शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं। चुनाव दौरान हमारे कोविड से जितने भी शिक्षक का स्वर्गवास हुआ है उनके पालियों को, जबकि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि हम लिपिक के रूप में नियुक्ति करेंगे, लेकिन उसके भी सरकार मुकर रही है, हमें मांग करते हैं। और डीबीटी जो जबरन शिक्षकों से डीबीटी का फीडिंग कराया जा रहा है, यह भी हमारे शिक्षकों के साथ अन्याय है। इसको लेकर, विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार से हम शिक्षकों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, बीआरसी पर हमारे तमाम तकनीकी कंप्यूटर ऑपरेटर बैठाए गए हैं, हम लोगों से डाटा ले लिया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर से फीडिंग कराई जाए, शिक्षकों को केवल शिक्षण कार्य लिया जाए, कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम हो जैसे पल्स पोलियो हो जाए, जैसे चुनावी ड्यूटी हो जाए, जनगणना हो जाए, इस पे हमारा शिक्षक करने के लिए तैयार है। लेकिन आज हर जो भी समाज का गणना हो, जो भी समस्या हो, सब शिक्षक को लगा दो, ये शोध हमारे शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अपने निर्णय को वापस ले, डीबीटी कंप्यूटर ऑपरेटरों से बीआरसी पे फीड करावे, हमारी पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। आज शिक्षकों को ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, 87 रुपया 2000 जबकि सरकार जीवन बीमा ने। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।